मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि प्रेगनेंसी के अंदर किसी महिला को ज़्यादा भूख लगती है, वहीं किसी को बहुत ही कम भूख लगती है। क्या ये बातें सच हैं? गाइज, ये 100% सच बातें हैं। ऐसा क्यों होता है महिलाओं के साथ? वीडियो के अंदर डिटेल में जानेंगे। साथ में खाने पीने के फूड आइटम्स में से कुछ पसंद आते हैं, कुछ नहीं पसंद आते हैं, जैसे कि खट्टी चीज़ें, मीठी चीज़ें, नमकीन या तीखी चीज़ें। इन चारों ही फूड आइटम्स को लिया जाएगा। साथ ही साथ में प्रेगनेंसी के हर एक मंथ को मैं कंसिडर करूँगी, जिससे आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और जितनी भी महिलाएं देख रही हैं वीडियो को, वो खासकर अपने लिए ये इस टॉपिक को कवर कर पाएंगी। पहले बात की जाएगी 1 से लेकर 3 महीने के बीच में क्या क्या मन करता है खाने का, जिसे ओल्ड वाइफ्स जो है वो संकेत बताती हैं। फिर 3 से 6 महीने, फिर 6 से लेकर 9 महीने तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। मैं आप सबके साथ श्वेता, और आप सबका बहुत 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 स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। यहाँ बात करते हैं खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें 1 से लेकर 3 महीने के बीच में। लगभग कह सकते हैं 70% महिलाएं होती हैं जिनको नमकीन और खट्टी चीज़ों की क्रेविंग्स ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का एक ही मतलब है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू हॉर्मोन्स, जिस वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल में चेंजेस के कारण भी देखा जाता है हमारे क्रेविंग्स के ऊपर इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहली बात कि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी का अंदाज़ा नहीं होता है, इस दौरान उनको बहुत खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है। इस वजह से भी कई बार महिलाएं एक दूसरे को गेसिंग गेम करती हैं कि शायद प्रेग्नेंट होता भी इतना खट्टा खाने का मन कर रहा है। तो इस दौरान एक शरीर के अंदर विटामिन सी के पूर्ति की बहुत ज़रूरत होती है, जिस वजह से हमें इन चीज़ों की क्रेविंग्स आती हैं। बात करते हैं 3 से लेकर 6 महीने के बीच में। लगभग ओवरऑल सभी महिलाओं को पता होता है कि इस दौरान प्रेगनेंसी चल रही है। ये एक ऐसा समय होता है जिसमें बच्चों का जो है वो पर्सनल ग्रोथ हो रहा होता है। बच्चों के हड्डियों का स्ट्रक्चर बनना, स्किन के ऊपरी परत, बॉडी के अंदर वाले छोटे छोटे ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ये इनिशिएट होने लगते हैं, इस भाषा में कह सकते हैं। इस दौरान क्या होता है, महिलाओं में बहुत ज़्यादा खून की कमी की समस्या, कमजोरी आना, वीकनेस आना, आप जब बैठ के उठते हो तो आपको चक्कर खा जाना, बीपी लो होना या किसी का हाई होना, इस तरीके का नई नई चीज़ें जो है वो इस दौरान हम देखते हैं 3 से लेकर 6 महीने के बीच में। इसमें क्रेविंग्स की बात करें तो शरीर में जब भी वीकनेस होती है हमें, तो हमें मीठा चीज़ खाने का मन करता है। लगभग 60% महिलाएं इस दौरान 3 से लेकर 6 महीने के बीच में मीठा खाना पसंद करती हैं। अब बात करते हैं 6 से लेकर 9 महीने के बीच में। इस दौरान महिलाओं में ज़्यादातर देखा गया है नमकीन या तीखी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करना है। ये एक ऐसा समय भी होता है, आपके शरीर के अंदर भी कुछ ऐसी डिमांड होती है, हल्के गर्म तासीर की चीज़ें आना खाना, जैसे खजूर खाना। आपको डेली लगभग 1 चम्मच घी का सेवन करना होता है प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने या 7वें महीने से ही, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। गाइज, मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे नॉर्मल डिलीवरी के कारगर उपाय बताए हैं, जिससे अब तक बहुत सारी महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आप भी चैनल पे रेगुलर हो जाइए, आप कुछ टिप्स को जानेंगे, क्योंकि मैं उन्हीं टिप्स को हाईलाइट करती हूँ जो गांव की महिलाएं आज भी अपनाती हैं, और शहर की महिलाओं के कंपैरिजन में गांव में नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ इजी टिप्स होंगे जिससे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगेन बात करते हैं खाने पीने से रिलेटेड, सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस हो गए। आप मुझे ये बता सकती हैं कि कौन से महीने में किन चीज़ों को खाने की आपको क्रेविंग्स हो रही है? जाने से पहले बता दूँ, शरीर में जिन भी पोषक तत्वों की कमी होती है, हमें बस वही चीज़ें खाने का मन होता है।